हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरात और महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पुडला, जो खाने बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है और यमी है। तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये कई तरीके से बनता है, आज इसे हम तीन तरीके से बनाएंगे, पनीर पुडला, वेज पुडला और चीज़ पुडला। जैसे अगर आपके बच्चे चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप उनको चीज़ का बना सकते हैं, वेज वाला बना सकते हैं और पनीर वाला बना सकते हैं, और सभी को ये बहुत पसंद आएगा जब आप इसको बनाकर खिलाएंगे। तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना शुरू करें। तो मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने डाला 1 कप बेसन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच सूजी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ये अजवाइन। तो अजवाइन को मैंने यहाँ पर क्रश कर डाला है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक, और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी हम ये डाल रहे हैं लाल मिर्च। इसको हम मिला देते हैं। तो इसका हम एक बैटर बनाना है, तब इसको हम पानी डालकर घोल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको घोलेंगे। मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच दही। दही को भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इसका हमें थोड़ा पतला बैटर बनाना है, क्योंकि हम इसमें इस घोल में हम ब्रेड को डिप कर उसको सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें ताकि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाइए। तो हम इसकी देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी, ऐसा हमें इसको घोलना है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं। तो अब इसकी हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने ये सारी सब्जियां ली हैं तीनों तरह के पुडला बनाने के लिए। तो हम वेज पुडला बनाने के लिए सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें मैंने डाली है 1 कटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा मैंने डाल रही अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम घर पर बना रहे हैं, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं है वो आप इसको स्किप कर दें। मैंने डाली है यहाँ पर ये प्याज आधी कटी हुई, थोड़ी सी ये लाल शिमला मिर्च, 1 गाजर ग्रेट किया हुआ, इसको मिला देते हैं। सब्जियों में भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। ये थोड़े से कॉर्न डाले हैं मैंने, आप इसमें बीट रूट भी डाल सकते हैं, आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद है वो सारी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। और मैंने थोड़े से टमाटर डाले थे, अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून के करीब। और ये 1 आलू डाला है मैंने उबला हुआ, ग्रेट कर कद्दूकस करके आलू डाल दिया मैंने। इसको भी हम मिला देंगे अच्छे से। और सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा हम क्रंची ही रखेंगे। बस इसको हम अच्छे से आलू जो हमने डाला है थोड़ा अच्छे से मिलाकर इसको थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। तो मैंने थोड़ी धनिया पाउडर डाली है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने डाला है ये काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ अमचूर। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, और अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे सब चीज़ों को। देखिए सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिल गए हैं। अब इसी तरह से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो फ्लेम पे। सब्जी हमारी पक गई है। अब मैंने एक तवा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें ब्रेड को डिप कर इस तरह से सेकेंगे। तो ब्रेड को मैंने ऐसे डिप कर एक रख दी है। अब इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड भी डिप कर ताकि घोल जो है वो अच्छे से दोनों तरफ लिपट जाए। और बीच में देखिए जो स्पेस बचा हुआ है, दोनों ब्रेड को पैरेलल रखना है, और बीच में जो स्पेस बची है उसमें से थोड़ा हमें जो बैटर है वो डाल देंगे हम, और थोड़ा ये बटर डाल दें। बहुत कम ऑयल में बन जाता है ये, और आप बटर या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको सेकने के लिए। तो एक तरफ से सिक गया था तो मैंने पलट दिया है। अब इसमें जो हमने सब्जियों वाली स्टफिंग बनाकर रखी है वो हम लगा रहे हैं इसमें। तो ये सब्जी वाला बना रही हूँ मैं,
तो जैसे आपके बच्चे सब्जी कम खाते हैं तो आप इस तरह से उनको बनाकर खिला सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा हैवी नाश्ता हो जाता है और बहुत ही हेल्दी है, जैसे कि आपने देखा। थोड़ा सा इसे पलट उलट पलट कर हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए सेक गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी पुडला भी बना लेते हैं, बाद में फिर हम इसको सर्व करने का प्रोसेस को दिखाएंगे कैसे करना है। तो अब मैंने डिप करके सेम उसी तरीके से ये ब्रेड को ऐसे सेकने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं और तेल का भी। अब इसमें हम ये दो पनीर के स्लाइसेस कटे हुए रख देंगे। जो सब्जी हमने ली थी उसमें से हमने थोड़ी सब्जी बचा ली थी, तो अब ये सब्जी भी हम इसमें रख देते हैं। प्याज, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो भी हमने सब सब्जियां ली हैं, गाजर, कॉर्न के दाने, सब हमने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर, और बस इसको हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये जो है अच्छे से सिक जाए। अगर आप ये पलटते ना बने तो आप किसी और चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं इसको फ्लिप करने के लिए, बहुत आसानी से पलट जाता है इस तरीके से। इस तरह भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, इसको अच्छे से हम पकने तक हम इसको सेक लेंगे। देखिए इस तरह सिक गया, इसको हम पलट देते हैं। तो बिल्कुल देखिए सैंडविच की तरह बन जाता है ये, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप इसको कभी भी डिनर में, लंच में, या ब्रेकफास्ट में, या शाम के स्नैक में आप इसको बनाकर खा सकते हैं। देखिए हमारा पनीर वाला भी बन गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम बना रहे हैं चीज़ वाला। तो वैसे हम ब्रेड को डिप कर इस पर हमने रख दिया है तवे पर, बीच में से थोड़ा सा हम घोल डाल देते हैं। और पहले देखिए मैं बटर नहीं डाल रही हूँ, बस मैंने एक ही बार डाला है, उसी में हम सेक लेते हैं। बाद में जो हम सेकते टाइम इसमें बटर डाल रहे हैं। तो अब मैंने इस तरह से इसको सेक लिया, क्योंकि हम चीज़ डालकर इसको पलटा नहीं सकेंगे, तो मैंने सारी वेजिस इसमें डाल दी हैं और हम ये चीज़ डाल देते हैं। आप इसमें थोड़ा ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब, और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए और अच्छे से। और बस इसको हम फ्लिप कर देंगे इसके ऊपर से, और इसको हम ऐसे उलट पलट कर सेक लेंगे, पलट देते हैं। तो देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल इसमें पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है। ये सैंडविच बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी। तो अब हम इसको हम सर्व कर देते हैं। तो मैंने देखिए इसे त्रिकोण शेप में इसको काट लिया है, इसको ऐसे प्लेट में हम सजा देंगे, इसे देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें हम थोड़ी ये ग्रीन चटनी डाल देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे ये सॉस, टोमेटो सॉस है ये, और थोड़े से हम ये सो इस पर बारीक वाले स्प्रिंकल कर देते हैं, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो ये वेज पुडला हमारा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम ये पनीर वाला बना लेते हैं। तो इसको देखिए मैंने इसको इसे चौकोर पीसेस में कट किया है, इस पर भी हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा देते हैं। बहुत ही यमी है, जिस दिन आपके बच्चे जैसे आपको लग रहा है पनीर नहीं खा रहे हैं, तो आप इस तरह से उनको बनाकर खिलाएं, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये। तो थोड़ा मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाल दिया, दोनों चटनी डाल दी, थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी है। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, देखने में ही, खाने में उससे भी ज़्यादा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। अब ये हम जो हमने चीज़ वाला बनाया था वो हम सर्व कर लेते हैं। तो इसमें चीज़ वाले में पनीर तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें मैंने थोड़ी सी मेयोनी डाली है और रेड सॉस, और हम थोड़ी सी ये चीज़ ग्रेट करके इस पर डाल देते हैं। तो ये चीज़ पुडला भी हमारा बनकर रेडी है। ये पनीर पुडला
तीनों मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही यमी बने हैं, टेस्टी बने हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगे। और देखने में जितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, उतने खाने में भी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।